अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औजु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिजवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली वबिदनी इल्मा वबिदनी इल्मा वबिदनी इल्मा। अच्छा जी, 9 मार्क का एक बहुत ही हैवी सवाल, हैवी तो नहीं कहना चाहिए, वो बहुत ही स्कोरिंग सवाल। आई कैप के पासिंग परसेंटेज वैसे ही अटैम्प्ट का बहुत अच्छा था और अलहमदिल्ला इस पेपर पे सवाल में बलो की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो 9 मार्क का सवाल है जी, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। यूजिंग अ पोर्टर 5 फोर्सेज एनालिसिस ऑफ अर्बानाज माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री इंक्लूड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच फोर्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग आर्गूमेंट। 5 स्ट्रेंथ होती थी, याद करें क्या क्या होती थी। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ठीक है जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, एंड कॉम्पिटेटिव राइवलरी विद इन द इंडस्ट्री। ये 5 हमने फोर्सेस पढ़ी हैं, सीक्वेंस कुछ भी हम कर सकते हैं फॉलो, और इन फोर्सेस की बेसिस पे आप, अच्छा इन आपको फोर्सेस ही बतानी है, ये परफॉर्म करना है पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस, तो फोर्सेस ही बतानी है, उनकी स्ट्रेंथ भी बतानी है कि वो फोर्स स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एंड फाइनली उसको आपने इसी आर्ग्यूमेंट सपोर्ट भी करना है। C53SPM के लिए भी ये बहुत अच्छा सवाल साबित हो सकता है, C53SPM के लिए भी बहुत अच्छा सवाल साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें इस तरह के सिनेरियो वहां भी पूछे जा रहे होते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली हमने, अब हम सवाल पढ़ेंगे। अच्छा, एक दफा मैं चाहूंगा आप भी सवाल को पढ़ें खुद से, और अगर पॉसिबल तो आप जैसे स्वॉट एनालिसिस में, मैंने याद है क्या कराया था, याद है स्वॉट एनालिसिस में सीधा हेडिंग बना दी थी मैंने, हर जगह हेडिंग बना दी थी स्वॉट एनालिसिस में, बिल्कुल सीधा मैं समझता हूँ यहाँ भी आप हेडिंग बना दें, पांचों थ्रेड की हेडिंग बना दें, और हेडिंग बना के ना मैं समझता हूँ कि फिर आप जो है वो इसको करें। ठीक है, तो आप एक काम करिए, स्टार्ट करें, जरा हेडिंग बनाएं जरा प्लीज। देखिए, ये सिनेरियो मैंने आपके सामने रख दिया है, प्लीज यार देखिए, जो लोग लाइव में उनसे भी गुजार रही है, थोड़ा सा एफर्ट करके देखें ना यार, और जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करेंगे उनसे भी गुजारिश है, जरा जल्दी से प्लीज एक दफा ट्राई करें, मैं बात को आगे बढ़ाते हैं। शाबाश। हाँ जी, कुछ बात समझ आई, चलें जी स्टार्ट करते हैं। इन द बजट बस्टलिंग सिटी ऑफ अर्बाना द माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री इज फियर्स बैटल ग्राउंड फॉर अ मेजोरिटी पेजर प्लेयर्स। व्हाट इज माइक्रो मोबिलिटी? माइक्रो मोबिलिटी व्हीकल देखे हैं आपने? हाँ, यार वो स्कूटी टाइप के नहीं होते, स्कूटी टाइप के देखे जो छोटे छोटे से होते हैं, बच्चों की स्कूटियाँ आती थी, अब वो थोड़े बड़े बड़ों के भी आने लगे, हमारे पाकिस्तान में तो इतने कॉमन नहीं है, बाहर के मुल्कों में यूके वगैरह में काफ़ी कॉमन है, देखें आपने वो स्कूटी टाइप के जो होते हैं छोटे छोटे से, तो बिल्कुल यार आजकल जिस तरह ट्रैफिक का, हाँ स्कैटर टाइप के बिल्कुल, और ट्रैफिक का मसला चल रहा है, तो इस वजह से ना ये छोटे छोटे जो क्या कहते हैं वो हैं माइक्रो मोबिलिटी व्हीकल्स, इनकी डिमांड बाहर के मुल्कों में बहुत बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी इसकी ज़रूरत है, मगर हमारे यहाँ मसला ये कोई बस वाला उड़ा के चला गया, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना, वो गाड़ी वाले ने उड़ा दिया तो ये गलत गड़बड़ हो जाएगी, बाइक से वैसे ही लोग परेशान होते हैं जो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको बाइक मुश्किल, बाइक वाले बुरे लग रहे होते हैं जो बाइक चला रहे होते हैं, उनको गाड़ी और बसें वाले जो हैं बुरे लग रहे होते हैं, तो ये तो फिर एक गलत मसला हो जाएगा, बट बहरहाल ये एक जो है ना बाहर के मुल्कों में एक अच्छा जैसे कहते हैं सोर्स है, फुटपाथ, हाँ बिल्कुल सही कहा, फुटपाथ ही नहीं है कहाँ चलेंगे, सही कह रहे हैं आप। है सवाल पढ़ते, माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री द फियर्स बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर्स, फेयर्स बैटल ग्राउंड से क्या लग रहा है आप, कौन सी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, फेयर्स बैटल ग्राउंड से क्या लग रहा है आप, 5 नाम लिख लें पहले हम, क्या वही तरीके का जो पहले भी फॉलो किया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें, 2 और 3 अलहमदुल्ला हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 2023, कौन कौन सी हैं हमारे पास, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स होता है नंबर 1, सही है ना, यही है, स्ट्रेंथ इसकी क्या है हम देख लेते हैं, सही है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होता था, सही है ना, बात समझ आ रही, ठीक हो गया जी, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता था जी, स्ट्रीट प्रोडक्ट के थ्रेट के बाद, बिल्कुल सही है, फिर हम इस पे आते थे बार्गेनिंग पावर ऑफ प्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सवाल है, बड़ा मज़ेदार मज़ेदार सवाल है, कौन से किसी के क्लियर है, को आइडिया, अभी तक मैंने यही देखा शॉर्ट नल्स में भी यही था, जो
टक्कर का सवाल आता है एथिक्स का। देखिए आपको पता है एथिक्स एक सवाल लाजमी आएगा, पेस्टल में से एक सवाल लाजमी आएगा, क्वार्टर फाइव फोर आ चुका है तो आगे बोस्टन मैट्रिक्स लाइफ साइकिल में से एक सवाल मुझे लगता है लाजमी आएगा बोस्टन के लाइफ साइकिल में से। बाकी फिर वो पोर्टर वैल्यू चेन एनालिसिस और वो जो सेगमेंटेशन वाला जो एरिया है उसमें से सेगमेंटेशन इस बार आ चुका है मेरे ख्याल से, तो वो वैल्यू चेन एनालिसिस वाला एरिया उसको थोड़ा देख लें, बेंच मार्किंग जो है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो एरिया देख लें, वहाँ से सवाल बन सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक होता था, क्या कहते हैं हम कल्ला बल्ला करे लाइफ साइकिल हो गया, पोर्टर फाइव फोर्सेज हो गया, पोर्टर डायमंड आपके पास नहीं है, ठीक है, तो पेस्टल में से भी अगेन कुछ भी सिनेरियो बन सकता है। पेस्टल इतना मुश्किल नहीं आया था इससे पिछले अटैम्प्ट में, इस अटैम्प्ट का पेस्टल अभी देखेंगे आगे जाके तो फिर हम फैसला करेंगे, पहले से ट्राई नहीं बनाएंगे। एंड पांचवा क्या है जी, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटेटिव राइवलरी विद इन इंडस्ट्री। विद इन द इंडस्ट्री हमें ये भी बताना है कि ये स्ट्रेंथ हाई है या लो है, और फिर ये भी बताना है इसको सपोर्ट भी करना है, सही है ना, इसको हमें सपोर्ट भी करना है, सही है। अच्छा सवाल पढ़ते हैं जी, फियर्स बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर्स, तो क्या लग रहा है माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री इज अ फियर्स बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर्स, ये किस स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ओ किस फोर्स की बात हो रही है। हाँ जल्दी बताएं प्लीज, पार्टिसिपेट करें, फियर्स बैटल ग्राउंड है तो इससे लग रहा है कॉम्पिटेटिव राइवलरी जो है ना वो बहुत हाई है, हाई स्ट्रेंथ, सही है ना, बिल्कुल लास्ट वाला एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, यही वर्ड ले लें, ये देखिए यही मैं एज इट इज सिनेरियो से कॉपी कर, माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री इज अ फियर्स वर्ड, फियर्स मतलब बहुत खौफनाक वर्ड लिया, सही है ना, बैटल ग्राउंड फॉर मेजर प्लेयर्स, ठीक है जी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, न्यू कमर्स फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद हाई स्टार्टअप कॉस्ट एंड स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स, क्या लग रहा है आपको, सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्ट्रेट फुल टॉस आउट ऑफ द पार्क, न्यू कमर्स फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस से फॉरन, किस फोर्स पे जा रही है बात, किस फोर्स पे बात रही है, न्यू कमर्स फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस थ्रेट ऑफ न्यू एंटेरेंट्स से, मैंने पहले भी कहा था रीडिंग बहुत तगड़ी करनी है, जिसकी रीडिंग तगड़ी है उसको इस तरह के सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एप्लीकेशन आपकी आसान हो जाएगी, चाहे आप एसपीएम का पेपर दे रहे हो C53 का, या चाहे आप कैप 6 एमएफए का पेपर दे रहे हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अगर आपकी रीडिंग तगड़ी है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट दिखने से लग रहा है कि ये थ्रेट क्या लग रहा है, अच्छा एक बैरियर हाए लो है, बैरियर हाए लो है, ऐसा लग रहा है बैरियर हाए, हाई बैरियर्स टू एंट्री कह दूं मैं, हाई बैरियर्स टू एंट्री कह दूं मैं, अगर हाई बैरियर्स टू एंट्री होंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ये फिगर की बात है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है, हाई या लो बताओ, स्ट्रेंथ हाई बैरियर्स टू एंट्री होते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होता है, हाई बैरियर्स टू एंट्री है यानी कि रुकावटें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बैरियर लगे हुए हैं, तो ये स्ट्रेंथ हमारे लिए लो है, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, फिकर की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, अपनी मार्केट है, नए लोग नहीं आ सकते, दीवारें बहुत ऊंची हैं, बहुत सारे बैरियर लगा दिए हमने लोगों के लिए, एंट्रेंट आना मुश्किल है, जो जितने ज्यादा एंट्रेंट आएंगे उतना कंपटीशन करेंगे, उतना हमसे कम्पीट करेंगे, उनसे उतना हमसे आगे लड़ेंगे, तो भाई अगर हाई बैरियर टू एंट्री होते हैं तो स्ट्रेंथ लो होती है, फिर आपको यहाँ से इस एंड से कोई टेंशन नहीं है, ये एंड आपका कवर होता है, क्या ख्याल है, एग्री करेंगे इस बात, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम इसमें लिख भी देते हैं, क्या कह रहे हैं, ये हाई स्टार्टअप कॉस्ट याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था हाई स्टार्टअप कॉस्ट, हमने पढ़ा है कि ये वो होता है हाई स्टार्टअप कॉस्ट इज ऑल्सो थ्रेट, ओ सॉरी इज अ बैरियर टू एंट्री, हाई स्टार्टअप कॉस्ट इट मीन एवरीवन कैन कांट एंटर इन द मार्केट, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट विल मेक डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट्स, डिफिकल्ट टू
डिफिकल्ट टू एंटर इन द मार्केट। मेरी बात समझ आ रही है? पेंसिल से लिखते हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट विल मेक डिफिकल्ट टू एंटर मार्केट। दूसरा दूसरा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स, ये भी एक एक ना का बैरियर होता था, याद करें। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल से क्या मसला आएगा? इससे भी क्या लग रहा है, बैरियर बढ़ रहा है कम हो रहा है? बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट्स। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बिल्कुल सही कहा, याद है मैंने आसान एग्जांपल दी थी अपने लेक्चर में भी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में घुसना आसान नहीं होता क्योंकि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं यार। दवाइयों का मामला है, लोगों की जिंदगी का मामला है। तो कोई नया बंदा, मैं और आप, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलने जाएंगे, बड़ी फौरी हो जाएगी हमारी यार। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां पर यह करती हैं, दवाइयों को कंपनी से बात कर लेती हैं, उसी को खरीद लेती हैं कि यार हम बड़ा नया लाइसेंस लेने जाएंगे, गवर्नमेंट हमारी नाक में दम कर देगी, एक काम करो आप ही हमें बिजनेस भेज दो। तो हर बंदा एंटर आसानी से नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर न्यू एंटर टू कॉम्प्लाई ऑल रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट। यार मुझे लग रहा है उसी इतना ही लिखना पड़ेगा। वापस से लिख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे लग रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स, इसमें भी डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट टू फुलफिल ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहे हैं, हाउएवर कस्टमर एंजॉय द डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो मोबिलिटी ऑप्शंस। कस्टमर एंजॉयज अ डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो मोबिलिटी ऑप्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर। रीडिंग बहुत तगड़ी रखनी है, रीडिंग बहुत तगड़ी रखनी है। कस्टमर एंजॉय डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो मोबिलिटी ऑप्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, मेकिंग इट ईजी टू स्विच बिटवीन दैम। कौन सी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, कौन सी फोर्स की बात हो रही है? टोटल फाइव फोर्सेस में से कौन सी फोर्स की बात हो रही है? कस्टमर से रिलेटेड बात हो रही है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। ऐसा ही है क्या? लगता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है लो है? जल्दी से बता दो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है लो है? जल्दी से बता दीजिए, क्या कहते हैं आप? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स बहुत हाई है यार, क्योंकि वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि वो छोड़ सकते हैं, इसकी तो कंपटीशन बढ़ेगा। पूरी बात एज इट इज लिख दें, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार दें जी, कोई मसला ही नहीं है। कस्टमर एंजॉय रेंज ऑफ माइक्रो मोबिलिटी ऑप्शंस ये स्किल जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये स्किल MS-SETU में भी काम आएगा। सिनेरियो से डेटा को निकाल के इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको MS-SETU जो आखिरी पेपर होता है CA क्वालिफाई करने के लिए, वहां भी काम आएगा। ये एप्लीकेशन स्किल सीख लीजिए, ये मेरी मेहनत आपके लिए C5-6 के लिए भी हो रही है। ठीक है, ठीक है, C5-3 के लिए, सॉरी C5-6 कहाँ से आ गया, C5-3 BMS-SPM जो हो गया है, वहां पे ये सारी थ्योरीज वापस आएंगी। वहाँ पे हाई लेवल पे कलेक्शन करना होगा, फिर यही वापस बातें आपको MS-SETU में भी नजर आएंगी। तो मैंने आपको कहा था मैं वो टीचर हूँ जो आपको MS-SETU तक के लिए गाइड करूंगा, याद है जो आपने इंट्रो लेक्चर लिया था मुझसे? मैं ठीक है कैफ लेवल पे पढ़ा रहा हूँ आपको, मगर अलहमदुल्ला CA फाइनल लेवल पे भी काफी सारी चीजें मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, आपको एक रस्ते पे डाल दिया जाए ताकि आप जब आखिरी पेपर MS-SETU में भी जाओ तो आपको पता हो कि यार किन बातों का ख्याल रखना है। तो माइक्रो मोबिलिटी इंडस्ट्री कहाँ गया, कस्टमर एंजॉयज कहाँ गया भाई? ये रहा, कस्टमर एंजॉयज अ डाइवर्स रेंज ऑफ माइक्रो मोबिलिटी ऑप्शंस। मोबाइल फोन में ना कि आप आसानी से स्विच कर सकते हो, कोई भी एंड्रॉइड फोन। हाँ यार, आईफोन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मगर एंड्रॉइड फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लेयर्स मेकिंग इज इजी। स्विच
ओवर प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट में से वो स्विच कर सकता है थोड़ा सा, ये भी नहीं बिल्कुल पूरा पूरा छाप दो, थोड़ा बहुत तो हमें वो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं जी। टू स्टे अहेड कंपनीज आर यूजिंग कंपनीज यूज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंटाइजिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड यूनिक फीचर्स। क्या लग रहा है आप? हाँ, इसके लिए क्या किया जा रहा है? अगर लॉयल्टी कस्टमर लॉयल्टी से, ये क्या था कस्टमर लॉयल्टी, याद करो। कस्टमर लॉयल्टी वाज व्हाट? कस्टमर लॉयल्टी भी एक बैरियर ऑफ एंट्री था, किसी को याद आ रही है बात? कस्टमर लॉयल्टी भी बैरियर ऑफ एंट्री था, ये किसी को याद है? हमने कहा था कि इतनी आसानी से कस्टमर छोड़ता नहीं है। मैंने आपको ऑडिट फर्म की एग्जाम्पल दी थी, अपनी फर्म की एग्जाम्पल दी थी कि जब मैंने काम शुरू किया तो बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि लोग इतनी आसानी से फर्म को चेंज नहीं करते, उनके सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद होता है, सारी बैंक स्टेटमेंट मौजूद होती है, लोग इतनी आसानी से अपना कंसल्टेंट चेंज नहीं करते, अकाउंटेंट चेंज नहीं करते, एडवाइजर चेंज नहीं करते, क्योंकि वो एक ब्रांड लॉयल्टी होती है उसके साथ। तो ये भी एक बैरियर टू एंट्री होता था, याद करें। कहाँ गया? इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी। लॉयल्टी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड यूनिक फीचर्स थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड यूनिक फीचर्स विल ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू एंट्री, विल ऑल्सो मेक डिफिकल्ट फॉर न्यू एंट्रेंट टू एंटर द मार्केट, विल ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। एग्री करेंगे? ये भी एक बैरियर है ना यार, विल ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। अलबेक की एग्जाम्पल दी थी मैंने, क्या बात है अमीन। अमीन कम बोलते हो तुम यार, चैट में तुम्हारे रिप्लाई नहीं आते, मगर रेलिवेंट बोला तुमने यार, बहुत अच्छे। क्या याद दिला दिया अलबे, आज मैं कल रात को ही घर में याद करा था, अपने घर में बोला था बर्गर खाते हुए, घर वालों ने बर्गर पर बनाया तो मैंने उनको बोला यार अलबे क्या खा रहा है, घर वाले ने बोला अलबेक का नाम ना ले। तो खैर, बिल्कुल सही कहा जी, अलबेक की एग्जाम्पल लिखी मैंने आपको, अलबेक। यस, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं जी? द थ्राइविंग माइक्रो माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर ओज इट्स सक्सेस इन नर्वाना टू इट्स कन्वीनियंस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स, एस्टेब्लिश प्लेयर्स कम्पीट थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग कवरेज एरिया एंड फ्लीट क्वालिटी, देयर आर न्यूमरस सप्लायर्स प्राइमरीली। अच्छा, अब यार एक और चीज, ये मुझे बताएं क्या लग रहा है आपको, लोग डिपेंडेंट है माइक्रो मोबिलिटी पे या नहीं? लोग माइक्रो मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या माइक्रो मोबिलिटी से दूर भाग रहे हैं? ये मैं किसी चीज के लिए बात कर रहा हूं, अर्बाना सिटी का नाम है, द थ्राइविंग माइक्रो मोबिलिटी सेक्टर ओज इट्स सक्सेस इन अर्बाना टू इट्स कन्वीनियंस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स, एस्टेब्लिश प्लेयर्स कम्पीट थ्रू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग कवरेज एरिया एंड फ्लीट क्वालिटी। इस लाइन से क्या लग रहा है आपको? अच्छा, ये मतलब क्या लग रहा है आपको कि ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है? मतलब मैं थोड़ा घुमा के बात कर रहा हूँ, जानबूझ के घुमा के बात कर रहा हूँ। हाँ, अर्बाना कन्वीनियंस फॉर शॉर्टर डिस्टेंस कम्यूट्स। तो मेरा सवाल ये कि क्या थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है, जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, नॉर्मल गाड़ियां हैं, क्या वो थ्रेट है या ये उनके लिए थ्रेट है? मतलब ये वाली मैं अब इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का जो फोर्स है वो स्ट्रांग है या हाई है, लो है या हाई है, सवाल मेरा ये। क्या लोग आसानी से सब्स्टिट्यूट पे चले जाएंगे? चलो मैं और डायरेक्ट बात करता हूँ, सब्स्टिट्यूट पे जाना लोगों के लिए मुझे लग रहा है आसान नहीं है, क्योंकि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लग रहा है कि इन अर्बाना के अंदर बात हो रही है, इन व्हीकल को ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। मतलब मैं इसको और आसान लफ्ज में बात करूँ कि कैमरे का मसला क्या है, कैमरे को कौन खा रहा है? मोबाइल आके खा रहा है। तो वहाँ पे थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बहुत आया है, चाय और कॉफी का मुकाबला आपके सामने है, कोल्ड ड्रिंक का भी बहुत अच्छा आजकल जो है ना कंपटीशन चल रहा है, बायकॉट आयकॉट आ गया है, तो कोल्ड ड्रिंक भी ठीक ठाक थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है ना उनका बहुत हाई चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक की जगह लोग जूसेस पे आ गए हैं, शादियों में भी लोगों ने जूसेस रखने शुरू कर दिए हैं और लोकल कोल्ड ड्रिंक्स पे आ गए हैं,
तो कहने का मतलब है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो माइक्रो मोबिलिटी है इसको उल्टा थ्रेट नहीं है, यहाँ तो लोग उल्टा आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि ये एक शॉर्ट कन्वीनियंस है शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट्स के लिए, और आगे भी एक दो बातें हो रही है, तो मुझे एक ऐसा लग रहा है कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पे ना लो है आउटसाइड द इंडस्ट्री। याद है ये हम कहते थे ये थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आता है कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, किसी को याद आ रही बात, यही हमने बात की थी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री। तो आउटसाइड द इंडस्ट्री तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा खास थ्रेट नहीं है, उल्टा ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है दूसरी जगहों से छोड़ के इस पे आएंगे, जिस तरह से जो है ना शॉर्ट टर्म उसमें बोला कि ये सुटेबल है। तो अच्छा इस पे मैं मजीद बात करता हूँ, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए, देयर आर न्यूमरस सप्लायर्स। अगर सप्लायर्स न्यूमरस हैं प्राइमरली स्मॉल टू मीडियम साइज फर्म्स ऑफरिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट, तो इससे क्या लग रहा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी लो होगी। अगर बहुत सारे सप्लायर हैं जिनसे आप डील करते हैं और सबका साइज छोटे से लेके मीडियम है, तो जल्दी से बता दो, ये बहुत आसान पॉइंट है, मिस नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बिल्कुल सही कहा फैजान सईद, बिल्कुल सही कहा स्नैन खान, बिल्कुल सही कहा अमीन, बहुत अच्छी बात की, वेरी गुड, सब बिल्कुल सही बता रहे हैं। बाकी लोग भी बिल्कुल सोचें कि इससे तो ऑटोमेटिकली बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लो हो जाएगी। तो पहले आसान काम कर लेते हैं, मैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के थ्रेड बाद में बात करता हूँ, वैसे भी सवाल एंड होने वाला है। तो देर आर न्यूमरस सप्लायर्स, ठीक है, अवेलेबल है और अवेलेबल, एग्री करेंगे, इससे क्या होगा, विल हेल्प कंपनी टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यही है। और दूसरा एक और भी है, स्मॉल एंड मीडियम साइज सप्लायर्स विल फाइंड डिफिकल्ट टू डिक्टेटर, विल फाइंड डिफिकल्ट टू डिक्टेट टर्म्स। गनी गिलास याद आ रहा है? हाँ भाई, गनी गिलास की बात की थी मैंने आपसे। हाँ गनी गिलास में मैंने आपको समझाया था कि उसने तो भाई ठानी हुई है, कोई आके दिखाए सामने, वो कैसे सप्लाई था, अपनी मर्जी से माल देता है, एडवांस से माल देता है, एडवांस दो तो माल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, जितना दिल चाहेगा उतना माल दूंगा मैं, मेरी मर्जी, आई एम द किंग, या ऐसा कुछ नहीं, या हम सप्लायर को बोलेंगे काम करने तो करो वरना हम किसी और से परचेज कर लेंगे। तो हमारी बार्गेनिंग पावर हाई है, वो डिक्टेट नहीं कर सकता टर्म्स, तो ये फोर्स हमारे लिए लो है। क्लियर है बात हमें? बलूचिस्तान गिलास आया था, क्या हाल हुआ था? हाँ यार तुम लोगों को तो सभी याद है माशाल्लाह, यार बड़ी खुशी हुई मुझे बलूचिस्तान गिलास का नाम सुन के, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इट मीन्स कि यू कैन यू आर क्लियरली कनेक्टिंग एंड रिकॉलिंग व्हाट आई हैव टॉट यू। यार मजा आया, ये C5 3 SPM में भी काम आएगा तुम लोगों को इनशाला, वहाँ भी ये सारी मिसालें देनी पड़ती हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आगे हैं। MSA2 में भी इनशाला तुम्हें हेल्प करेगा। खैर चलो दैट्स गुड यार, आई रियली लाइक इट के यार तुम लोगों को एग्जाम्पल मेरी याद आई, स्मॉल एंड मीडियम साइज सप्लायर्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिक्टेट टर्म्स, विल फाइंड डिफिकल्ट टू डिक्टेट टर्म्स। तो भाई वो उनके लिए आसान नहीं है डिक्टेट कराना, गनी गिलास कितना बात नहीं कर सकता आंखों में आके डाल के हमारी, ठीक है, हमारे सप्लायर है, हम उसको कहेंगे भाई सप्लायर बन गए हैं आप, छोटे सप्लायर हैं आप हमारे, ठीक है ना। खैर अच्छा आगे बढ़ते हैं, अर्बनाज वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेडिकेटेड बाइक लेन एंड कन्वीनियंट पार्किंग नर्चर्स अ कल्चर ऑफ एम्ब्रेसिंग अ माइक्रो मोबिलिटी फॉर शॉर्ट कम्यूट्स। क्या लग रहा है आपको, क्या सब्स्टिट्यूट पे जाना लोगों के लिए आसान होगा? ओ भाई ये तो माइक्रो मोबिलिटी के लिए पार्किंग ही बना रहे हैं, अलग से बाइक लेन भी बना रहे हैं, सही है, और कल्चर भी बन रहा है ऐसा कि लोग माइक्रो मोबिलिटी पे जा रहे हैं जी, लोग सेल्फियाँ वेल्फियाँ लेके डाल देते हैं टिकटॉक में, माइक्रो मोबिलिटी नज़र आ रहा है जी, यूट्यूब में भी डकी भाई जो है माइक्रो मोबिलिटी में घूम रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे डकी भाई को, मैं नहीं फॉलो करता यार, आई रियली हेट दैट, देना जैसे कहते ना कि चीप वी लॉगिंग, बट जस्ट टू जिसे कहते ना कि कैप्चर योर अटेंशन, मैंने कहा नाम ले लो ताकि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया आ जाए। तो कहने का मतलब है कि यार दिखने से ऐसा लग रहा है कि ये उल्टा बढ़ती जा रही है, तो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो लो है, एक तो इस वजह से भी है कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लिख लेते हैं कि भाई वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर
और क्या लिखा हुआ है? विद डेडिकेटेड बाइक लेन एंड कन्वीनियंट पार्किंग। बात सीखना मैं क्या लिख रहा हूँ? विद डेडिकेटेड, विद क्या कहते हैं, क्या था भाई सिनेरियो से ले रहे हैं, विद डेडिकेटेड बाइक लेन एंड कन्वीनियंट पार्किंग। विल मेक डिफिकल्ट फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। ऐसा ही है, इतनी सारी सपोर्ट के बाद मुश्किल लग रहा है कि वो बाहर से आके रिप्लेस कर दे हमें, कोई बाहर से आके हमें इफेक्ट कर दे। विल डिफिकल्ट फॉर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट टू अफेक्ट अवर इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में नहीं आ सकता, क्योंकि याद है ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री आता ही है। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? सवाल खत्म हो गया मेरे ख्याल से, अब क्या रह गया? मीनवाइल एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैटर सीमलेसली टू लॉन्गर जर्नी, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन फॉर रेजिडेंट। द रेस फॉर द अल्टीमेट विनर इन दिस डायनामिक माइक्रो मोबिलिटी मार्केट रिमेन्स अनसर्टेन, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग एंड इंट्रीग्यूटिंग मार्केट टू ऑब्जर्व। क्लियर है बात हमें? मुझे मज़ा आया आपको, हाँ कुछ एनालिसिस देख के मज़ा आया। ठीक है, कुछ बात समझ आई आपको? इजी पीजी था, प्रॉब्लम तो नहीं हुई? इज इज फाइन। द रेस फॉर द अल्टीमेट विनर इन द डायनामिक माइक्रो मोबिलिटी मार्केट रिमेन अनसर्टेन, ये एक लाइन आप कह सकते हो कि रेस एग्जिस्ट करती, मेकिंग इट एन एक्साइटिंग एंड इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग टू ऑब्जर्व। बिटवीन कॉम्पिटिटर्स टू डोमिनेट द इंडस्ट्री, टू डोमिनेट द इंडस्ट्री, डोमिनेट करने के लिए एक रेस चल रही है, कौन नंबर वन आएगा। ठीक है जी, बात समझ आई? चले नोट कर लें इसको, नोट कर ले जी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 2023, 9 मार्क्स का एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी सवाल था। मैंने देखें पहले भी बात की है, मैं वापस बात कर रहा हूँ, चाहे आप C3 का पेपर दे रहे हो, चाहे आप MFA का पेपर दे रहे हो, जिसकी जितनी तगड़ी रीडिंग होगी उतना उसके लिए पेपर में आसान होगा। शॉर्ट एनालिसिस का भी मैंने इसी तरह एक सवाल अभी कुछ देर पहले आपको ऑटम 2023 का कराया, जो कि SPM के लिए भी रेलिवेंट है और F6 के लिए भी अप्लीकेबल है। और यहाँ भी मैंने आपको ये बात बताई कि यार आपका जितना अच्छा जो है ना वो स्किल होगा, उतना आपके लिए एप्लीकेशन स्किल होगा, उतना काम करना आसान होगा। यहाँ तक बात समझ आती है? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट के बगैर डायरेक्ट प्रैक्टिस करने जाएंगे, ब्लाइंड प्रैक्टिस इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको शॉर्ट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट नहीं है वो सवाल मैस हो जाएगा। अगर आपको पोर्टर 5-4 का कॉन्सेप्ट नहीं है वो सवाल मैस हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? चलें नोट कर लें इसको प्लीज़, कोई सवाल है पूछ लें। बाकी यार अगर ये बातें समझ आती हैं तो ये लिंक आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, जो लोग C3 SPM दे रहे हों या जो है F6 दे रहे हों। कंजूसी नहीं करिएगा यार, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लोग एप्लीकेशन में इतने अच्छे नहीं होते, उनको पता ज़रूर होता है सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं, मगर वो सिनेरियो से इतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो ये एक छोटी सी काविश है, छोटी सी मेहनत है यार उन लोगों के लिए, ताकि उनका पेपर जो है वो बच जाए। ठीक है, चलें इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम अगले वीडियो पे अगला सवाल करेंगे। थैंक यू।